नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग पीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से ट्रेन प्लान रीड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हम ट्रेन प्लान फुटिंग का ट्रेन प्लान हम किस तरीके से रीड करेंगे, वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी प्लॉट का, अगर आप लेआउट कराने जा रहे हैं तो उस प्लॉट का देख लें कि उसका बाउंड्री कहाँ पे। जैसे कि ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आपका, ये साइड प्लान दिखाता है, और इस साइड प्लान के अंदर में जितने भी सारे फुटिंग्स है उसी के अंदर में। एक इसमें क्या होता है कि जो फुटिंग होता है साइड प्लान की यानी कि बाउंड्री पे रहता है, तो उसको हम इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। इस तरीके के प्लान भी मैं आप लोग को किसी दिन दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पे देख लें कि सारे के सारे फुटिंग जो है वो आपका बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देख लें कि जो भी प्लान का साइड यानी कि ईस्ट फेस है, नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट फेस है, तो अकॉर्डिंग टू द साइड प्लान, अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग के अंदर आप देख लें कि साइड पे कहाँ पे वो चीज पड़ता है, यानी कि नॉर्थ कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट कहाँ पे पड़ता है, साउथ कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, वो देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रिड्स के। अगर हम ग्रिड्स की बात करें तो ये देख लें कि एक्स डायरेक्शन के अंदर कितने टोटल ग्रिड है। जैसे कि ये वाले पार्ट एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रिड जो है वो 4 है आपका। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। वाई डायरेक्शन में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड जो है आपका, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड जो है वो 3 है, ए बी सी है। ठीक है, ये चीज देखिए, इस वाई डायरेक्शन के ग्रिड की हम बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रिड 3 है, यानी कि ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस भी आपको जानना जरूरी होता है। ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ए टू बी के डिस्टेंस आपका 11 फीट, बी टू सी का जो डिस्टेंस आपका 12 फीट है। ये डिस्टेंस क्यों जरूरत होता है, ताकि हमको फुटिंग का जो एक्चुअल लोकेशन है हमको फाइंड कर सके। अगर आपके ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस पता है तो इसमें आपका फुटिंग का साइज निकल जाएगा, कॉलम का साइज किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, लेआउट करेंगे, ये चीज आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दो जो डॉटेड लाइन है, उस डॉटेड लाइन को हम क्या बोलेंगे, क्या करता है इसमें, साइड पे किस तरीके से किया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें फ्रेंड्स, तो वाई डायरेक्शन में ए टू बी का जो डिस्टेंस है आपका 11 फीट है, और बी टू से लेके यानी सॉरी ए वन ग्रिड वन और टू के बीच टू का जो डिस्टेंस है आपका सेंटर टू सेंटर 11 फीट है, टू से लेके थ्री का जो डिस्टेंस है आपका 12 फीट है, और थ्री से लेके फोर का जो डिस्टेंस है आपका 11 फीट है। ठीक है, ये चीज करने का, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे फुटिंग का साइज एक ही फुटिंग का साइज है, एफ वन ही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फुटिंग है आपका 12 नंबर ऑफ फुटिंग है। ठीक है, सारे एक ही टाइप का फुटिंग है। इतनी चीज रीड करने के बाद आप उसका सेट पेपर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो स्केल यूज है वो 1 इंच = 8 फीट है, और ये जो आपका ड्रॉइंग है वो आपका ट्रेंस प्लान है। ठीक है, उसके बाद हम क्या रीड करेंगे, उसका शेड्यूल, शेड्यूल किस तरीके से रीड किया जाता है। शेड्यूल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप ये फुटिंग का शेड्यूल है, ग्रेड हमारा यूज हुआ है वो M20 है, स्टील का ग्रेड है वो H500 है, इसमें जो फुटिंग का जो टाइप है वो F1 है, टोटल नंबर ऑफ फुटिंग 12 है, और फुटिंग का जो साइज है आपका 5 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 6 इंच, यानी कि साढ़े 5 फीट बाय 5 फीट आपका फुटिंग का साइज हो गया। इसमें फ्रेंड्स तीन तो चीजें देखिए, ये वाले जो लाइन है आपका अंदर वाले वो आपका RCC का साइज है, उसके बाद नेक्स्ट डॉटेड लाइन है, और उसके बाद नेक्स्ट डॉट लाइन है, ये चीज हम देख लें। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं मार्किंग ऑफ PCC, PCC का साइज कितना है आपका 6 फीट बाय 6 फीट, और यहाँ पे एक्सर्वेशन की साइज आ जाती है, तो एक्सर्वेशन की साइज आपका 6 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 6 इंच है। ठीक है, हम रेनफोर्समेंट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो रेनफोर्समेंट हमारे पास है आपका एक्स डायरेक्शन अंदर 12 डाई एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर है, और सॉरी यहाँ पे वाई डायरेक्शन होगा, वाई डायरेक्शन अंदर आपका 12 डाई का 6 इंच सेंटर टू सेंटर हो गया। डेप्थ हमारे पास जो है वो आपका ओवरऑल डेप्थ है 1 फिट 3 इंच, यानी कि आपका 15 इंच है, और सारे टाइप्स का जो फुटिंग है आपका वो आपका आइसोलेटेड फुटिंग है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो डॉटेड लाइन यानी कि ट्रेंस प्लान के अंदर ये डॉटेड लाइन दिया जाता है, उसका मतलब क्या रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं कि ये जो अंदर वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनर साइड की, इनर साइड की जो डॉटेड लाइन वो आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट यानी कि IRCC पार्ट है, ये आपका एक्चुअल फुटिंग है,
उसके बाद नेक्स्ट डॉटेड लाइन वो आपका पीसीसी का लाइन है, जो कि हिडन रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसको आपको हिडन लाइन से यानी कि डॉटेड लाइन से आपको इसको मार्क किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सर्वेशन, यानी कि जो आउटर पार्ट है वो आपका एक्सर्वेशन कितने में करना है, क्योंकि साइड में क्या होता है ये चीज आपको ड्राइंग में अगर मेंशन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना जोड़ना है एक्चुअल फुटिंग से, राइट में कितना लेना है, लेफ्ट में कितना लेना है, पीसीसी के लिए कितना लेना है, तो ये चीज आपको ड्राइंग में रहना जरूरी होता है। इसीलिए आपको ट्रेंच प्लान भी दिया जाता है साइड पे, ताकि इस तरीके कंफ्यूजन ना हो कि कितना आपको छोड़ना होता है फॉर्मों के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया, इनर साइड का जो है आपका आरसीसी का पार्ट है, उसके बाद पीसीसी है, मिडिल वाले पार्ट और लास्ट वाले पार्ट है आपका एक्सर्वेशन। अब इसमें हम टोटली कम्प्लीटली रीड करते हैं। देखिए जैसे भी इनर वाले पार्ट है आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर वाले पार्ट का। आउटर वाले पार्ट है फ्रेंड्स 6 फीट 6 इंच, यानी कि आपका इधर से 5, देखिए हमारे पास एक्चुअल फुटिंग का साइज कितना है 5 फीट 6 इंच, ठीक है। 5 फीट 6 इंच हमारे पास एक्चुअल फुटिंग का है, तो इधर से 6 इंच छोड़ा है और इधर से 6 इंच छोड़ा है, तो आपका कितना हो गया 6 फीट 6 इंच, यानी कि दोनों तरफ से 6 6 इंच को छोड़ के जो टोटल एक्सर्वेशन आ जाता है आपका 6 फीट 6 इंच का हो गया, जबकि हमारे पास एक्चुअल फुटिंग का साइज कितना है फ्रेंड्स 5 फीट 6 इंच। उसके बाद पीसीसी के लिए, पीसीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका 3 इंच 3 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग पीसीसी करते हैं, वहां पे भी हम लोग पीसीसी के जो 3 इंच बढ़ता है वहां पे हम क्या करते हैं फॉर्मवर्क को, साइड फॉर्मवर्क हम लोग डालते हैं, ताकि हम लोग आरसीसी जो पार्ट है फुटिंग का वो हम लोग कास्ट कर सकें, इसीलिए 3 इंच हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप लोग रीड कर सकते हैं, आप लोग को आई थिंक कंफ्यूजन जो था ये जो डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है वो अब क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम विड्थ को साइज में हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।